नमस्कार सभी को, मेरा नाम हेलन सिंह और आज का जो मेरा वीडियो है वो व्लॉग नहीं होने वाला है। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जो कि अरुणाचल में एक बर्निंग इशू है जिसके ऊपर पूरे अरुणाचल का फ्यूचर डिपेंड करता है, स्पेशली यंग एस्पिरेंट्स का। जैसे कि आप सभी को पता चले गया होगा APPSC पेपर लीकेज स्कैम के बारे में, जो लोग सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं उनको तो पता ही है। तो इस स्कैम में ऐसा हुआ कि जो रिसेंटली एक एग्जाम था उसका जो पेपर लीकेज हुआ है तो उसमें कुछ कल्प्रिट्स पकड़े गए। तो उन कल्प्रिट्स के थ्रू अभी ये पता चल रहा है कि 2017 में जो सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ था उसमें भी पेपर लीकेज हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि एग्जाम से पहले ही जो कल्प्रिट्स थे उनको क्वेश्चन पेपर मिल गए और उन्होंने स्टडी की, बट स्टिल वो लोग एग्जाम में फेल हो गए, मतलब क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद भी। तो उन्होंने क्या किया, बाद में जाके चांदनी होटल में वो लिखा, मुझे बताते हुए भी हंसी आ रही है, चांदनी होटल में आंसर लिखा, तब जाके वो लोग पास हुए। तो इतना हाई लेवल में करप्शन हुआ है। तो इसके चलते अरुणाचल में पहली बार ऐसा हुआ है कि CBI आया है इस केस को हैंडल करने के लिए और इसमें बहुत सारे कल्प्रिट्स पकड़े जा रहे हैं अभी। और ये स्कैम हमारे अरुणाचल के हाईएस्ट रिक्रूटिंग बॉडी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हुआ है। एक ऐसा कमीशन जिसके ऊपर स्टूडेंट बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, वो लोग ही अगर ऐसा करने लगे तो मतलब स्टूडेंट्स का क्या होगा। मेरे हिसाब में तो ये जो क्राइम है ना वो किसी सीरियल किलिंग क्राइम से कम नहीं है, मतलब मेरे हिसाब में बहुत ज्यादा बड़ा क्राइम है, क्योंकि इसके वजह से कितने स्टूडेंट्स का लाइफ बर्बाद हुआ है। बहुत लोग जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स थे उनको भी नौकरी नहीं मिल पाया, जस्ट बिकॉज पीछे से पता नहीं कैसे कैसे करके पीछे से घुसाते जा रहे हैं अपने लोगों को, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास कनेक्शन है उनको घुसाते जा रहे हैं नौकरी में, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको नौकरी नहीं मिल पा रहा है। बहुत का तो एज भी पार हो गया है, बहुत लोग इतने डिजर्विंग होते हुए भी छोटे मोटे काम करके गुजारा चला रहे हैं। तो उससे हमारे अरुणाचल के ही फ्यूचर में इफेक्ट हो रहा है। आप लोग भी ध्यान से सोचिए, अगर जो डिजर्विंग नहीं होंगे बट स्टिल वो लोग किसी ऐसे पोस्ट में होंगे, मान लीजिए CEO के पोस्ट में है और उनको पढ़ाई वढ़ाई लिखाई गए और CEO बनना कैसे है वो तक नहीं पता, तो वो लोग जाके फ्यूचर में कैसे अरुणाचल का फ्यूचर बना पाएंगे। और फिलहाल का अपडेट ये है कि जो CBI और SIC है वो लोग अपना काम कर रहे हैं, जिनके लिए मैं उनको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। साथ ही साथ मैं हमारे CMG पेमा खांडू जी को भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उनके रिकमेंडेशन में अरुणाचल में पहली बार पेपर लीकेज को लेके, मतलब स्कैम को लेके, नौकरी में रिलेटेड जो भी स्कैम है उसको लेके अरुणाचल में CBI इंक्वायरी हो रही है। और रिसेंटली मैंने न्यूज़ देखा कि एस्पिरेंट्स का जो एज लिमिट है वो बढ़ा दिया गया है, 37 से लेके 40 कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने जितना भी सोशल मीडिया में सभी स्टूडेंट्स के एस्पिरेंट्स के प्रॉब्लम्स को सुने हैं, देखे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बोलो, तो उनके सबकी तरफ से मैं बताना चाहूँगा कि हम इतने में सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पेपर लीकेज जो हुआ था वो 2014 में हुआ था और रिसेंटली 2022 में पेपर लीकेज हुआ है, और अब ये भी पता चला है कि 2017 में भी पेपर लीकेज हुआ था। तो मैं चाहूंगा कि 2014 से जितने भी एग्जाम्स APPSC ने कंडक्ट कराए हैं और ताके जेरांग के अंदर कंडक्ट हुआ है, उन सभी एग्जाम्स के ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि अभी तो हम बस ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, मतलब ऊपर ऊपर से हमें सबूत मिल रहा है, तो सोचिए अंदर ही अंदर और कितना सारा एग्जाम्स में करप्शन हुआ होगा जो कि APPSC के अंदर आता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे पेमा खांडू जी से कि दिस शुड नॉट बी लिमिटेड टू AE एग्जाम्स, बल्कि APPSC के अंदर जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सभी में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए CBI को रिकमेंड करें, ताकि सब कल्प्रिट्स को पकड़ा जाए, क्योंकि इस केस के जो फाइंडिंग्स है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है मेरे हिसाब में, क्योंकि देख के तो ऐसा लग रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन का एरिया है वो बस 2022 AE एग्जाम्स और ताका जेरांग के बीच में ही रिवॉल्व कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि और इसे एक्सपैंड किया जाए और जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनको बस सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए, उनको टर्मिनेट किया जाना चाहिए, और जितने भी लोग करप्शन के मीन्स से घुसे हैं जॉब में उनको भी चुन चुन के टर्मिनेट करना चाहिए, और उससे जो वैकेंसी क्रिएट होगा उस पोस्ट को नेक्स्ट एग्जाम में ऐड कर दिया जाना चाहिए। और आप देख ही सकते हैं कि जिस पेस में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री है और बहुत ही स्लो है, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो वी जस्ट डोंट वांट जस्टिस, वी वांट टाइमली जस्टिस। और मेरे हिसाब में CMG आप भी लकी हो कि आपको मौका मिला है कि आप अरुणाचल में एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली यंग एस्पिरेंट्स के लिए, हम स्टूडेंट्स के लिए जो कि बहुत ही मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं बट फिर भी जॉब नहीं मिल पाता, तो उन करप्शन को आप जड़ों से निकाल के फेंक दोगे ना, तब हम बहुत स्टूडेंट्स आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा आभारी रहेंगे। तो जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चीज़ में आप सभी हमारा साथ दें, नॉट ओनली सोशल मीडिया में एक्टिव रहें बल्कि फिजिकली भी आप लोग एक्टिव रहें, अगर कोई मीटिंग वगैरह बुलाते हैं तो आप लोग साथ दें। स्पेशली पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स से, कि आप लोग प्लीज़ आप लोग भी अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। अभी भी कभी कभी मीटिंग कॉल होता है तो उसमें बस स्टूडेंट्स आते हैं, पेरेंट्स नहीं आते हैं, तो मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स भी आइए और इस चीज़ के लिए लड़िए, अपने हक के लिए लड़िए, अपने बच्चों के हक के लिए लड़िए, क्योंकि इन कुछ गिने चुने करप्ट लोगों की वजह से आपके जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। आपने जो अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस किया, बच्चों ने जो अपने फ्यूचर के लिए पढ़ाई की, पूरा अपना टाइम इन्वेस्ट किया
पढ़ाई को लेके कि मुझे ऑफिसर बनना है, मुझे ये नौकरी करना है, मुझे वो नौकरी करना है, उन सभी एस्पिरेंट्स के साथ इनजस्टिस हुआ है और उनको जस्टिस दिलाने के लिए आप सभी की भी साथ की जरूरत है। स्पेशली मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ। और एक दुख की बात यह है कि बस अपसु और अंशु ही इस मामले में साथ दे रहे हैं, बाकी स्टूडेंट बॉडीज साथ नहीं दे रहे हैं और CBOs वगैरह साथ नहीं दे रहे हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी मिलजुल के एक साथ इकट्ठे होकर साथ दें, क्योंकि ये हमारे अरुणाचल के फ्यूचर का सवाल है, हमारे हाथ में है कि हम अरुणाचल को कैसे बचा सकते हैं। और इसी के साथ इस मामले में मैंने अपना ओपिनियन दे दिया है। आप लोगों को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और जाते जाते मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिसके वजह से ये पूरा मूवमेंट शुरू हुआ है, हमारे हीरो ग्यामर पादाम जो चाहे तो AE बन के रह सकते थे या फिर करोड़ों रुपए ले सकते थे अपना मुंह चुप करने के लिए, लेकिन उन्होंने अरुणाचल के फ्यूचर के लिए इस ऑफर को ठुकराया और इस केस के पहलू को हम सबके सामने लेकर आए। तो ग्यामर पादाम सर को मेरा बहुत ही बड़ा सल्यूट। बट गाइस, द प्रॉब्लम इज ही इज सफरिंग फ्रॉम अ वेरी सीवियर डिजीज। एक उनका नर्व्स का प्रॉब्लम है, तो नर्व्स के प्रॉब्लम की वजह से क्या हो रहा है कि अभी उनका हियरिंग लॉस हो चुका है और विजन भी कम होता जा रहा है, वो नर्व्स के इश्यू की वजह से हो रहा है। पहले एस्टिमेट ये लगाया गया कि 22 लाख ट्रीटमेंट में खर्चा होगा, बट मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा होने वाला है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ ऑन ए ह्यूमनली ग्राउंड, जो अरुणाचल की हीरो है, मेरे हिसाब में तो वो पूरे अरुणाचल की हीरो है, तो उनकी प्लीज़ मदद कीजिए, उनको बचाइए। डॉक्टर के दिए गए जो रिपोर्ट्स है वो यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन में, और जो उनका अकाउंट डिटेल्स है, जो उनका खुद का अकाउंट डिटेल्स है, वो यहाँ पे स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा। उनका QR कोड भी फ्लैश हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उनका अकाउंट डिटेल्स दे दिया है। तो प्लीज़ हमारे अरुणाचल के हीरो को बचाइए, ग्यामर पादांग सर को बचाइए। हम ऐसे ही हमारे अरुणाचल के हीरो को नहीं खो सकते।